राजस्थान हिंदी हाई स्कूल से 1995 में बारहवीं कक्षा में से जो उत्तीर्ण हुए विद्यार्थी थे वो आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। उनके साथ हम ही हमारे सभी शिक्षक भाई बहन भी इकट्ठे हुए हैं। मैं उसका प्रिंसिपल रहा हूँ, इस नाते सब की तरफ से खुशी व्यक्त कर रहा हूँ। सब लोग आनंदित हो करके यहाँ इकट्ठे हुए, बड़े लंबे समय के बाद 25 वर्षों के बाद इनको मिल रहे हैं हम लोग। ये बैच स्कूल का नाम उजागर करने वाली थी। इस बैच के विद्यार्थियों ने बोर्ड में कई स्थान प्राप्त किए थे और राजस्थान हिंदी हाई स्कूल गुजरात के स्कूलों में एक अलग प्रकार की प्रतिभा वाली स्कूल लोगों की नज़र में आई थी। मुझे खुशी है कि हमारे सभी पुराने साथी भी यहाँ इकट्ठे हैं और बच्चे भी इकट्ठे हैं। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि उनका जीवन खूब आनंदित हो, खूब सफल हो और जहाँ कहीं भी हैं वो प्रगति तो करें ही, पर आजू बाजू में जो है उनको हाथ लगाते भी चलें, क्योंकि ये हमारे विद्यालय की परंपरा रही है कि हम प्रगति करें, खुश रहें, लेकिन दूसरों की खुशियों को बढ़ाने में भी उपयोगी बने। यही आज के इस मौके पे मुझे कहना है। धन्यवाद। मैं राजस्थान सेवा समिति संचालित राजस्थान हिंदी हाई स्कूल से पिछले 40 वर्षों से जुड़ी हुई हूँ और इस शाला की जो परंपराएं और संस्कार संचालित जो प्रक्रिया है वो सबसे अद्भुत है। मैं तो ये कहूँगी कि स्वर्ग भूमि से भी बढ़कर है राजस्थान स्कूल हमारी गुर्जर प्रांत की गुणवत्ता में अस्मिता इसकी सबसे प्यारी। प्रभु से करते यही प्रार्थना परम्परा क्या कहेंगे, परंपरा का निर्माण हो रहा है और इन बच्चों को इस परिसर में जो संस्कार मिले हैं वही ये आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि ये सब शरीर से स्वस्थ रहें, मन से मजबूत रहें, भाव से समृद्ध रहें और व्यवहार से पूर्णतया संतुलित रहें। तन मयूर नृत्य करा, हमारे पंडित जी तो कह रहे हैं कि इन बच्चों को देख करके मेरे तन की बैटरी चार्ज हो गई है और हम सब इतने आह्लादित हो रहे हैं कि हमारी सूखती हुई नसों में इन्होंने सुख की एक आशा का संचार किया। बच्चे हमेशा बच्चों को कहेंगे कि इनका तन स्वस्थ रहे, मन स्वच्छ रहे और सभ्य समाज के निर्माण में इनकी सदैव भागीदारी। साला के 25 साल हम लोगों को छोड़े हुए जो आज पूर्ण होने जा रहे हैं और हम लोग सर 1995 बैच के विद्यार्थी इकट्ठे हुए हैं अपने बचपन के समय को याद करने के लिए, हमारे उन गुरुजनों को कि जो हमारे जीवन निर्माता स्वरूप हैं, जिन्होंने हमें जीवन के अंदर आगे बढ़ने का मार्गदर्शन दिया। आज के इस उपलक्ष्य में भारत के हर कोने से, दिल्ली से, बेंगलोर से, मुंबई से, इवन भारत के बाहर से भी कई विद्यार्थीगण आज यहाँ उपस्थित रहे और इस कार्यक्रम को सफल बनाए। कहने के लिए 25 साल पर लग रहा है कि जैसे हम लोग कल ही मिले थे और एक दिन के लिए भी ऐसा नहीं लग रहा है कि हम इन लोगों को 25 साल के बाद मिल रहे हैं। फिर तो वही क्लासरूम, वही स्कूल का कैंपस आज में याद है बिल्कुल। किस टाइप की रही मस्तियाँ, यानी क्लास में हम क्या करते थे, शिक्षकों की खिंचाई कैसे करते थे, बच्चों के साथ कैसे लड़ते झगड़ते थे, वो सारी चीज़ आज याद आ रही है। हम लोगों ने ये जो प्रोग्राम रखा उसका टीम वर्क बहुत इम्पोर्टेंट था। हम लोगों ने टीम में बहुत अच्छा काम किया। सबसे अच्छा लगा कि टीचर्स ने हमारे स्टूडेंट्स से ज़्यादा अच्छा रिस्पांस दिखा, तो टीचर्स का उत्साह देखकर हमें और आगे भी कुछ करने की इच्छा हुई है, तो वो टीचर्स के आशीर्वाद के लिए हुई। आज का जो हमने इवेंट किया है उसमें हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया और अब ऐसे ही लग रहा है कि हमने 2 बजे का कार्यक्रम क्यों रखा। हमको ऐसे ही लग रहा है कि हमको दिन भर का रखना चाहिए था, दिन पूरा हो गया और पता ही नहीं चला कि दिन कैसे चला। इतने सालों के बाद सब से मिलना और ऐसा लग रहा है सबसे बात ही नहीं हुई और दिन पूरा हो। हमारे सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हमको याद आ रही है कि हम लोग खेलते थे सतोलिया, कबड्डी, वॉलीबॉल, सब छोटी छोटी चीज़ें हमको याद आ रही है। बेंचेस पे बैठना, लास्ट बेंचेस में आवाज़ें करना, टीचर्स की मिमिक्री करना, हर टीचर का निकनेम, हमारे निकनेम, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हम लोग का इस बार।
और आशा करते हैं कि आगे से और कहीं और दूसरे लोग ऑर्गेनाइज करें और हम लोग इस चीज़ को इंजॉय कर सकें। मेरा नाम आनंद उर्कट है, मैं इस 95 की बैच में केजी से लेकर 12th तक पढ़ा हुआ हूँ और सभी पुराने मित्रों से मिलकर, सभी शिक्षकगणों से मिलकर काफ़ी अच्छा लगा है। जिस तरह सभी शिक्षकगणों ने हमारा भावपूर्ण आमंत्रण स्वीकार किया और जो आशीर्वचन हमें दिए हैं उन्होंने, जो उनका भाव देखा हमने, वो बहुत हमको दिल तक छुआ है और हम आशा करते हैं आगे भी हम इस तरह से कोई इवेंट फिर से सब इकट्ठा होकर करें। धन्यवाद। आपके भगवान की कृपा से मैं पढ़ने में थोड़ा अच्छा था तो सभी सहपाठियों का मेरे को काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहता था। शुरू से मेरे को सम्मान मिला और सभी का प्रेम बहुत मिला, तो वो मैं आज काफ़ी कुछ याद किया। इवन केजी की जो हमारी डेस्क होती थी, बेंच होती थी, उसके ऊपर बैठ के हमने हमारी वो यादें ताज़ा की। तो अब बच्चे, इनफैक्ट अभी हम लोग भी बड़ों की कैटेगरी में आने लग गए हैं, बच्चे भी अभी स्कूल में जा रहे हैं, हम हमारी स्कूल की यादें बता रहे हैं उनको। आज जब बताया बच्चों को कि हमारा ये रीयूनियन है, तो उन्होंने उनके तरीके से हमको, मेरी कुछ खिंचाई करने की कोशिश की, पापा ऐसा होगा वैसा होगा, तो अभी मैं वो फोटो के माध्यम से उनको ये बताऊंगा सभी। मेरा नाम जयश्री है, मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि कुछ रिलेशन, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो आप जहाँ पे छोड़ देते हैं और आप चाहे 10 साल, 20 साल, 25 साल के बाद भी अगर मिलते हैं तो वो रिश्ते वहीं से शुरू होते हैं। मतलब हम 25 साल के बाद जिन दोस्तों को छोड़ दिया था हमने, जिन टीचर्स को हमने छोड़ दिया था, आज मिलने से वही फीलिंग, वही रिश्ते वापस आ गए। ऐसा हमें दूरी, ऐसा फील ही नहीं हुआ कि हम 25 साल के बाद मिल रहे हैं। वही क्लोजनेस, वही फीलिंग्स, वही प्यार और वही जो जिस तरह से हम लोग ने उस टाइम पे टाइम स्पेंड किया, हम साथ में पढ़ते थे, झगड़ा भी करते थे, मस्ती करते थे, टीचर्स क्लास में शोर भी मचाते थे, टीचर से डांट भी खाते थे, सारी चीज़ें याद आ रही हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हमारे, मेरे लिए एक मेमोरेबल डे है कि 25 साल के बाद ये अपॉर्चुनिटी मिली है हम अपने टीचर्स से, जिन्हें हमें सब कुछ पढ़ाया। लाइक मैं भी अगर बोलूँ तो मैं भी अपनी क्लास, मतलब अपने स्कूल में स्कॉलर रही हूँ मैं, मतलब गुजरात बोर्ड में 3rd आई थी 12th में, और मुझे अपने टीचर्स का इतना ज़्यादा प्यार मिला था उस टाइम पे, वो प्यार मुझे आज याद आ रहा है। और इतने सारे टीचर्स को मेरा नाम से मुझे, ऑल दो मेरी फेस चेंज हो गया है, वो मुझे फेस से नहीं पहचान पा रहे थे, बट मेरे नाम से वो मुझे जानते थे। ये मेरे लिए बहुत बड़ा प्राउड मैटर है कि मेरे बस 25 साल के बाद भी मेरे टीचर्स मुझे पहचानते हैं, मुझे जानते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है जो मुझे आज फील हुई, और आई रियली फील प्राउड। और सब फ्रेंड्स से मिलके मुझे इतना अच्छा फील हुआ, मेरी वो, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मेरी नींव थी जो मेरा स्कूल था, और उन टीचर्स, उन फ्रेंड्स के बदौलत आज जो हम हैं, वो आज हम इस पोजीशन पर पहुंच पाए हैं। और मैं अपने दिल से वो मोमेंट्स को थैंक्स बोलना चाहती हूँ, स्कूल को, टीचर्स को, फ्रेंड्स को थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि उनने मेरी लाइफ में इतना ज़्यादा ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन किया है।